ट्रांसफर की जा रही है सीनियर अधिकारी के पास। जी जी करो करो, 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 करो। जानकारी न दें, बीवेयर ऑफ फेक फोन कॉल्स। डियर कस्टमर, आपका कॉल हमारे महत्वपूर्ण है। हमारे सभी ग्राहक प्रतिनिधि अभी अन्य कॉल्स पर व्यस्त हैं। कृपया लाइन पर बने रहें, जल्द ही हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपके कॉल को आंसर किया जाएगा। Anybody, as bank or RBI never asks for such details from customers over phone, email or social media like Facebook. नमस्कार, आपकी कॉल ट्रांसफर की गई है। मैं फ्लो सुपरवाइजर ओमवीर बात कर रहा हूँ। जी सर, हेलो। क्या जानकारी लेना चाहते हैं सर आप? सर हमने ना कल जहाँ से कंप्लेन लिखाई थी ऑनलाइन, जी, के हमारे अकाउंट से जंप कर गए 10,000 रुपए। जी ठीक है सर, और वो सारी डिटेल हमें आज दोबारा कॉल आती है। जी। सर आपने कल कंप्लेन लिखाई थी इतने बजे के इतने मिनट पे। ओके ठीक है, और उसका हमें वेरिफिकेशन करना है। ओके, और उसमें हमें जो जो चीजें पूछी गई थी हमने वो बता दी। जी ठीक है, क्योंकि हमने कल किया था, हमें हमको क्या पता था कि ये बंदा फ्रॉड है। उसने सारी के जैसे बंदा मिला हुआ हो कैसे ऐसे पूछना है वो चीजें उसने सारी पूछी, हमने बता दी। और आज हमारे अकाउंट से 31,000 रुपया गायब हो गया उसी टाइम। 31,000 रुपया गायब हो गया? जी। ओके सर, एक्चुअली आपको जो ब्रांच आपको बार बार इन्फॉर्म करती है कि कभी भी हमारे अधिकारी कभी भी आपको कॉल करके कोई भी डिटेल आपसे नहीं पूछते हैं सर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास। मैं आपकी बात से एग्री हूँ। जी ठीक है, कि बंदे जर के ओटीपी दे दिया। जी अभी सर मुझे ये कंफर्म करना है कि उस बंदे को कैसे पता चला कि इसने इतने बजे इतने बजे कॉल की है और इसने जे जे जानकारी मांगी थी दी थी कि नोटिफिकेशन में, उस बंदे को कैसे पता चला? सरकारी साइड है, गवर्नमेंट साइड है, हम दोनों में बात हो रही है, फ्रॉड बंदे के पास कैसे चलेगी सर? सर यही तो कंफ्यूजन, यही तो कंफर्म नहीं हो पा रहा ना कि ये डाटा कहाँ से लीक हो रहा है। सर अभी आपका डाटा लीक हो रहा है। जी जी, नुकसान किसको हुआ? कस्टमर को? सर कस्टमर को हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान तो पीएनबी को हो रहा है सर। अभी हमारा क्या सोल्यूशन है सर? पीएनबी करोड़ों अरबों को दी है, अभी जो बंदा दिहाड़ी कर रहा है उसका क्या होगा? सर मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, बट उसके लिए आप हमारे पास कंप्लेन नोट करा दीजिए। जैसे ही हम आपके सर, हम पंजाब में रहते हैं, ठीक है, हमें पता है कंप्लेनों का क्या होता है। ठीक है, अभी बंदे को इमरजेंसी कोई भी चीज चाहिए होगी तो क्या लगता है कि आपको मिल जाएगा वो चीज? अभी चलो ठीक है, अभी आपकी बात से एग्री हो गया हूँ। 31,000 रुपया गया जी, अदर अकाउंट था जी, एक और अकाउंट चल रहा है, ठीक है, उसमें से 14,000 गायब हो रहा है अभी के अभी। ओके, अनदर उसकी तो जानकारी दी नहीं, उसका ओटीपी भी नहीं दिया, उसका एटीएम नंबर भी नहीं दिया, उससे डेबिट कैसे हो गए 14,000? सॉरी ये तो मैं आपसे कंफर्म नहीं कर सकता हूँ,